सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आप सब कैसे हो? आज है बंगाली न्यू ईयर, पहला बैशाख, शुभ नव वर्ष टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, तो बिना देखे तो बता नहीं सकते हैं। चलो चलते हैं पहले। तो ये देख लो, रोहन को भी वो कैसा लग रहा है। अभी रोहन लगा रहा है हेलमेट, और आप भी हमेशा हेलमेट पहन के राइडिंग करना। और अभी मैं भी पहन लिया अपना हेलमेट और सनग्लास, जो इतनी धूप में बहुत ज़रूरी है। यो, वी आर रेडी टू गो, लेट्स गो नाउ। हम आज जा रहे हैं एक दिन का छोटा सा इंटरनेशनल ट्रिप पे। आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अभी क्रॉस करने वाले हैं पानीकुड़ी टोल गेट। तो टोल गेट क्रॉस कर लिया। हम लोगों को अभी लेना है थोड़ा सा पेट्रोल। पेट्रोल है ऑलरेडी, फिर भी ले रहे हैं सेफ्टी के लिए। और मुझे ना बाल भी थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि मेरे क्रंचेस ना चुभ रहा था बालों पर, तो इसीलिए। और इधर इस दीदी को तेल डालते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा? और मैं अभी चली आई मेरा बाल ठीक करके, और रोहन भी आ चुका है। तो अभी फिर से निकलेंगे हम, फिर से निकल पड़े हम। तो सिलीगुड़ी पहुंच ही गए हैं। अभी लेफ़्ट टर्न लेना है हम लोगों को नौकाघाट से। नौकाघाट से लेफ़्ट टर्न लेके हम माटीगारा तक जाएंगे, और माटीगारा से बागडोगरा के जो रोड है वो रोड होकर हम जाएंगे पानी टैंकी तक। और ये है नौकाघाट ब्रिज। हम पहुंच गए हैं एशियन हाईवे 02 टोल गेट पर। इसको क्रॉस करके फिर हम जाएंगे पानी टैंकी कस्टम पीयू तक। तो पानी टैंकी कस्टम पीयू थोड़ा सा सामने ही है, तो देख पा रहे हो वो जो सामने वाला, ये है पानी टैंकी कस्टम ऑफिस। हम लोगों को लगा था सीधा जाया जाएगा, लेकिन सीधा जाने नहीं देता है। तो फिर हम लोग ले लिए लेफ़्ट टर्न। लेफ़्ट टर्न लेके थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। सो फाइनली हम ये एंट्री गेट तक पहुंच ही चुके हैं। देख पा रहे हो कितना इधर क्राउड है और कितना जैम लगा है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, समझ ही रहे हो। बहुत सारे लोग इधर खड़े हैं उस पर जाने के लिए, और हम भी इधर थोड़ा आप लोगों को दिखा रहे हैं आप लोगों के सुविधा के लिए। तो इधर आईडी चेकिंग वगैरह चल रहा था, हम लोगों का चेकिंग हो चुका है, हम एंट्री कर चुके हैं नेपाल में। और ये जो ब्रिज देख पा रहे हो ना, ये मेची रिवर ब्रिज है जो इंडिया और नेपाल को जुड़ता है। ये है नेपाल कस्टम ऑफिस, जहाँ से हम लोगों को परमिट लेना पड़ेगा। तो रोहन ने बाइक पार्किंग पे लगा दिया, अभी हेलमेट उतर रहा है। और जो पीछे दिख रहा है लोग, वो सारे परमिट के लिए खड़े हैं लाइन पे। तो अभी रोहन जाएगा। बहुत टाइम वेट करने के बाद इस काउंटर से मिल गया हम लोगों को। फिर दूसरे काउंटर पे जा रहे हैं, रूम नंबर 2 पे। अभी रूम नंबर 2 पे भी हो चुका है, तो कैश काउंटर पे आ चुके हैं। कैश काउंटर पे आके 130 रुपीस करके इंडियन करेंसी में आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इधर का काम हुआ, अभी और एक काउंटर बाकी है। और रोहन इधर दिखा रहा था नेपाली करेंसी, अभी लास्ट काउंटर है ये। फाइनली मिल गया। सो फाइनली वी गॉट द परमिट गाइस। तो परमिट मिल गया, अभी हम लोग जाएंगे। ये है परमिट। तो चलो मिलते हैं। एक सलाह है कि कोई भी आएगा तो आरसी बुक जरूर लेके आना, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। हाँ, और इधर बहुत टाइम भी लगता है, तो थोड़ा वक्त लेके ही आना। So finally we are leaving the custom office and going towards our destination. Let's go and stay tuned guys. नेपाल का ग्रीनरी देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे, और इधर था एक मंदिर जंगल के बीच में, बहुत ही सुंदर था मंदिर और पूजा चल रहा था। और फाइनली हम पहुँच भी गए हैं इधर, इतना कुछ देखते देखते। इधर थोड़ा रास्ता ख़राब भी है, और यू कैन सी गाइज कितना ज़्यादा पार्किंग लॉट में भीड़ था।
और इधर भी ना कितना लंबा बाइक का लाइन। रोहन तो इधर पार्किंग करने के लिए हटा रहा था एक स्कूटी को, और फिर हम लोगों को एक जगह मिला, तो जगह बनाना पड़ता है ना कभी कभी, तो बना लिए और हेलमेट रखेंगे एक दुकान पे। फाइनली पहुंच चुके हैं, रोहन जा रहा है टिकट काटने। रोहन ने ले लिया टिकट, एक टिकट का 130 रुपीज़ इंडियन करेंसी में हम लोगों को लगा है। हियर इज़ आवर टिकट्स, तो चलो चलते हैं अंदर। एंट्री करते करते ही हमने इतना खूबसूरत सा एक साइकिल देखा, और धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये है इधर का फेमस प्लेस टिकटॉक पिंड, जहाँ पे एक झूला है, दिखाते हैं आप लोगों को भी। और ये इसके लिए टिकट लेना पड़ता है 35 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, और हम लोग 30 मिनट से वेट कर रहे हैं इधर बहुत टाइम से। तो फाइनली हम लोगों को मौका मिल ही गया इस झूला में झूलने को। देख ही पा रहे हैं, ये है हमारा ताजमहल नेपाल का, तो इस पार्क में मौजूद है ये ताजमहल। और मुझे मिल गया आइसक्रीम, और क्या ही चाहिए। और अभी हम जा रहे हैं मछली देखने के लिए, इस पॉन्ड पे बहुत सारा मछली है। ऊपर चले आए और नीचे बहुत लोग उन लोगों को खाना खिला रहे थे, और कितना सारा मछली है देखिए, कितना क्यूट। इसके बाद हम आईफिल टावर देखने के लिए जा रहे हैं, इधर आईफिल टावर भी है। ये मैं पहुंच चुकी हूँ, ऊपर भी चढ़ चुकी हूँ, और रोहन भी आ चुका है ऊपर। आईफिल टावर पे आ गए हम, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, पेरिस घूम लिया। घूमते घूमते लग गया भूख, तो चिप्स खा रहे आईफिल टावर के नीचे बैठ कर। खाने के बाद हम चले आए सेल्फी डांडा में, तो सेल्फी डांडा में अभी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तो इसीलिए खाना खा लिए पहले एनर्जी के लिए। बहुत ऊपर आ गए हम, सेल्फी डांडा में आ गए, तो चलो इधर से व्यू दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है व्यू, इधर वाटर पार्क भी है। बहुत टाइम चाहिए इधर घूमने के लिए। अभी हम उतर रहे हैं, और नीचे ना एक झरना भी है, इधर बच्चे लोग खेल रहे थे। तो अभी इधर गुफा भी मिला है हम लोगों को, सारे लोग अंदर घुस रहे थे, चलो हम भी देखते हैं अंदर क्या है। ओ अभी अंदर ना एक झरना मिला है, सारे लोग इधर फ्रेश वेश हो रहे थे, तो फिर मैंने भी थोड़ा देखा इधर, देख के फल निकल गए। इतने कुछ देख के लग गया हम लोगों को भूख, तो भूख मिटाने के लिए इधर एक रेस्टोरेंट भी है, तो इधर जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या मिलता है। और इधर छतरी में कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम आ चुके हैं इधर, अभी मेनू कार्ड देखते हैं क्या क्या मिलता है। इधर मोमो चाउमीन सारा मिल रहा था। हम लोग ऑर्डर किया था चाउमीन, चाउमीन लेके आ गए। मिल गया हम लोगों को चाउमीन नेपाली करेंसी में 100 रुपीज़ करके, और इंडियन करेंसी दोनों का 165 रुपीज़ एक चाउमीन का। हाँ, और ये है मेरा वाला प्लेट, चलो पहले खाते हैं, बहुत भूख लगे है, सुबह से खाए नहीं। खाना खा के आ चुके हैं इधर, नेपाली ड्रेस पहन के फ़ोटोशूट करना है, और इसके लिए आप लोगों को लगेगा इंडियन करेंसी में 70 रुपीज़ और नेपाली करेंसी में 100 रुपीज़ करके, और फ़ोटोशूट का अलग 30 रुपीज़। और ये सारे फ़ोटो हम लोगों को वो भैया DSLR में खींच के दिया है, और ये है कुछ फ़ोटोस आप लोगों के लिए। और मुझे दिख गया ये दुकान इधर,
इधर बहुत खूबसूरत सा चार्म्स ब्रेसलेट मिल रहा था और मैंने ये ले लिया, ये मुझे बहुत पसंद आया। सो गाइस, आज के लिए वीडियो इधर ही ख़त्म होते हैं। बहुत थक चुके हैं और बहुत बड़ा पार्क है, आप भी आइए ज़रूर इधर, बहुत मस्ती होगा और पूरा दिन लेके आइए, ठीक है? नहीं तो नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो। चलो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।